देखो आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए क्या क्या कुछ करना पड़ता है। नमस्ते सस्रीकाल सलाम वालेकुम कैम चो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा नया रूम? सो ये छोटा सा मजाक था। वैसे राइट नाउ आई एम एट आईकिया। जैसा कि आप लोग ने देखा कि मैं पिछले वन एंड हाफ वीक से मैं बहुत इनएक्टिव था यूट्यूब पे, क्योंकि उसके पीछे भी एक रीज़न था, क्योंकि मेरे पर्सनल लाइफ में कुछ मसले मसाइल हो गए थे, उसके लिए मैं ऐसे ही व्लॉग और ये सब रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। सो अभी सब ठीक हो गए हैं, सब मसले मसाइल सॉल्व हो गए हैं। सो अभी आपको मेरे व्लॉग्स फ्रिक्वेंटली देखने को मिलेंगे। टाइम से हम सोच रहे थे आने के लिए, लेकिन मौका नहीं मिलता था। और हम लास्ट टाइम गए थे क्या, लेकिन उस टाइम नया नया लॉकडाउन ओपन हुआ था, भीड़ थी तो हम अंदर जा नहीं पाए थे। सो आज वीक डे है तो हमने सोचा कि आज पब्लिक नहीं होगी, तो हम आज क्या में आए हैं। अगर आप तारक मेहता उल्टा चश्मा को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हो तो ये पीछे जो विंडो दिख रही है वो देख के आपको कुछ याद आएगा। और आप में से जिन जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर दो। और नीचे जो लाल वाला बटन है उसको प्लीज दबाए बिना और लाइक किए बिना कहीं नहीं जाना। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक भी कर सकते हो। देखो आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए क्या क्या कुछ करना पड़ता है, सो प्लीज सब्सक्राइब करो। और एक बात, मेरे पिछले वाले वीडियो में आपने जितना सारा प्यार दिया है उस सब के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और जिन जिन लोगों ने नया सब्सक्राइब किया है उन लोगों को वेलकम टू माय वर्चुअल फैमिली। आप लोगों को
पक्का इससे ज़्यादा अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा, आई प्रॉमिस यू गाइस। धीरे धीरे इवॉल्व होता है कोई भी स्किल, सो ये मेरा नया नया है। आई थिंक ये 15th वीडियो है मेरा, सो 15, 20, 25, 30 तब तक आपको कुछ धीरे धीरे नया नया देखने को मिलेगा। सो थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग मी गाइस। और एक बात, आपको आइकिया में घर सजाने का, होम डेकोरेशन का ए टू जेड सामान मिल जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते, वो सब चीज़ आइकिया में आपको मिल जाएगी। अगर आपने इंटरनेट पर कुछ देखा है होम डेकोरेशन का, रूम डेकोरेशन का, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और आइकिया में आने का और ऐसे ये सब चीज़ें देखने का कुछ अलग ही मज़ा है। और एक अच्छी चीज़ आइकिया की ये है कि आप जब भी आओगे तो आपको कुछ ना कुछ नया ही देखने को मिलेगा। तो अगर आपके वहाँ पे आइकिया है और आप अगर GTA से हो तो आइकिया में एक बार ज़रूर विज़िट करो। और यहाँ पे फर्नीचर भी उतना एक्सपेंसिव नहीं मिलता जितना बाहर के जैसा, आपको चीप प्राइस में, चीप तो नहीं बोल सकते लेकिन ऑन एवरेज प्राइस में आपको अच्छे से अच्छा फर्नीचर मिल सकता है यहाँ पे। सो प्लीज़ डू चेक इट आउट अगर आपके वहाँ आइकिया है। लाइक इंडिया में तो नहीं है ज़्यादातर जगह पर, मेरे को मालूम है तो आइकिया सिर्फ मुंबई और हैदराबाद में है। अगर आपको मौका मिलता है कभी भी आइकिया जाने का तो एक बार ज़रूर जाना।